देश में लॉकडाउन को लगे हुए 48 घंटे से ज्यादा बीत गए। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जनपद प्रशासन अपनी ही कर्मचारियों को नहीं समझा पा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप विकलांग कोटे पर आवंटित कैंटीन में सुरक्षा कर्मी ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। रियलिटी टेस्ट करने निकली इंडियन प्राइम न्यूज की टीम ने इस खबर को संज्ञान में लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे यूपी पुलिस के जवान बिना किसी प्रोटेक्शन के एक साथ मिलकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। जिले के तमाम अधिकारियों की सुरक्षा व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात सिपाही व कर्मचारी इस कैंटीन में बीते दिन से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि कैंटीन के ठीक सामने एडीएम प्रशासन का भी ऑफिस है। और इसी रास्ते से होते हुए जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना भी आवास से ऑफिस आती हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस वैश्विक महामारी से जनपद को कैसे निजात दिलाएंगे। रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट।